हम एन कॉलेज के छात्र हैं, इस साल 11th मेरा फाइनल हुआ है, 12th प्रोसेस में होने वाला है, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला, उससे पहले ही हमारे मोबाइल में मैसेज आ गई है कि आप अपने दूसरे 10+2 स्कूल में जाकर एडमिशन करवा लें। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम CBSE स्कूल के छात्र हैं, मैं गाँव में कहाँ जाऊँगा एडमिशन करवाने, पटना में कितना स्कूल है आप मुझे बताइए, पटना में कितना स्कूल है कि जहाँ पर हम एडमिशन लूँ। और दूसरी बात, हमारे जो है 2 साल का फिक्स होती है, हमने एडमिशन चार्ज पूरा प्रोसेस पेमेंट कर दिया हूँ, लाइब्रेरी चार्ज से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज तक ले, तो क्या मेरा पैसा वापस आएगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग का दो साल का फिक्स होता है, विधानसभा का चुनाव 5 साल का होती है, क्या 2 साल में भंग होती है, नहीं होती है, तो हमारा एक समय क्यों भंग होगी, बस यही मेरा सवाल है। आप इस पर कार्रवाई करिए, पाठक का ऑर्डर था 75% अटेंडेंस, सब लड़का पटना में घर लेके रूम लेके, किसान का बेटा रूम लेके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सब ट्यूशन में एडमिशन ले चुके हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएं छोड़ के सर, महानता में हम लोग कोचिंग में 2 साल का एक महीना महानता में चुके हैं, सरकारी प्लस 10+2 है महानता बगल में, हम लोग कहाँ जाए सर, ये हम लोग को ऐसा चाहिए, हम लोग के पाठक और ये कौन श्रीवास्तव के पाठक हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को जज्बा।